हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो बच्चे, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास के अंदर कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर के बैक से हम न्यूमेरिकल्स करवाएगा और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कराएगा। वो जानना बहुत जरूरी है। वो होगा आपके पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये थोड़ा अलग है, रजिस्टर से थोड़ा अलग है। हमको लगता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमने रजिस्टर्स में भी पढ़ रखे हैं, तो कोई बात नहीं, वैसा ही होगा। वैसा होना और वही होना दोनों में अंतर है। कोई चीज सिमिलर होना और कोई चीज कॉन्ग्रुएंट होना, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, है ना बेटा? तो चलो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। वो टॉपिक है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, छोटा सा है लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन ये था कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के फॉर्मूले हमारे पास तीन थे। एक था हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला था एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, और एक फॉर्मूला था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। आपसे मैंने पूछा था कि आउट ऑफ दीज थ्री सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो होता है वो ये होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। और पता है सबसे ज्यादा यूज होने का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि हम फॉर्मूले में उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, और एक ये होता है कि प्रैक्टिकली वो बहुत यूज हो रहा है। क्या मतलब है इसका? अब मैं बताऊं कि दोनों ही काम में इसका यूज ज्यादा है। ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा यूज में है फॉर्मूला, और ये वैसे भी ज्यादा यूज होता है, मतलब थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में या कोई डेरिवेशन करने में हाफ सीवी स्क्वायर ही सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ऐसा क्यों? हाफ सीवी स्क्वायर के अंदर दो मेन चीजें हैं, एक है कैपेसिटेंस और एक है वोल्टेज। अगर आप मार्केट में एक कैपेसिटर लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों चीजें उसके ऊपर प्रिंट होती है। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर था ऐसा कुछ इस तरीके से, जैसे आपका फैन का कंडेंसर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा होता है, इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है, कॉन्फिगरेशन के बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो 220 वोल्ट और 15 माइक्रोफैरड मान लो ये लिखा हुआ है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है? इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है कि ये 15 माइक्रोफेरेट, तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई, ये हो गया सी और ये हो गया वोल्टेज। अगर मुझे सी और वी दोनों ही पता हो तो मैं इस कैपेसिटर को बिना यूज किए ये बता सकता हूं कि ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। आप सोच के देखिए, आपने डिवाइस यूज भी नहीं करी और यूज करने से पहले आप बता पाएंगे कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि कौन सा कैपेसिटर किस डिवाइस में लगाना है वो पर्टिकुलर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत सारे अगर कैपेसिटर मेरे पास रखे हैं तो मैं कोई सा भी कैपेसिटर कहीं लगा सकता हूं, नहीं। एक पर्टिकुलर कैपेसिटर एक पर्टिकुलर जगह ही लगता है, एक पर्टिकुलर रेटिंग का कैपेसिटर एक पर्टिकुलर जगह लगता है। रेटिंग होती है कहां पे कैसे लगाओगे, जैसे घर में भी कनेक्शन है तो आप डिसाइड करते हैं कि यहां मैं कौन सा बल्ब लगाऊं, वहां कौन सा बल्ब लगाऊं, यहां ट्यूबलाइट लगाऊं या फैन लगाऊं। हालांकि ये सब चीजें तो बदल भी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होते हैं, जैसे कि एसी का सर्किट होता है, जो आपका एसी होता है, कौन सा एसी? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का जो सर्किट होता है वो एयर कंडीशनर के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां पे आप बल्ब लगाएं, क्योंकि वहां एमसीबी भी होती है आपके पास, 16 एम्पीयर भी हो सकती है, 32 एम्पीयर भी हो सकती है, तो वो एमसीबी लगी होती है वहां पर। लेकिन अगर मैंने एसी को, एयर कंडीशनर को सिंपल फैन वाले स्विच में लगा दिया तो ओवरलोडिंग हो जाती है, तो उसको नहीं लगाया जा सकता। तो यानी कि फिक्स है कि कहां पे कौन सी चीज लगानी है। इसी तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसके अंदर कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, किस रेटिंग का कैपेसिटर लगाया जाएगा एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं बोर्ड, स्विच बोर्ड या ब्रेड बोर्ड बोलते हैं, इसमें जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर आप कहां पे उसको लगाएंगे वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, उसकी रेटिंग क्या होगी। तो ये एक फॉर्मूला है हाफ सीवी स्क्वायर, जिससे आप किसी कैपेसिटर को बिना यूज किए ये बता सकते हैं कि वो कैपेसिटर किस डिवाइस में यूज होगा, ठीक है बेटा? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो कैपेसिटर हमारे काम का है कि नहीं है। बहुत सारे कैपेसिटर आपके सामने थे, आपको एक कैपेसिटर लगाना है तो आपको बस ये पता होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो 50 जूल की एनर्जी स्टोर करता हो, तो जितने भी कैपेसिटर मेरे पास रखे हैं उसकी रेटिंग में चेक कर लूंगा, कैपेसिटेंस कितनी है, वोल्टेज कितनी है, फॉर्मूले इनपुट करो, देखो एनर्जी आसपास आती है क्या, एग्जैक्ट भी ना है तो अगर आसपास भी आएगी तो काम चलेगा, ठीक है। तो उसको अगर आप उस पर लगा लेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है बेटा। लेकिन बाकी जो दोनों फॉर्मूले उनमें एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत है चार्ज। चार्ज तो एक ऐसी चीज होती है जो कि स्टोर होती रहती है लगातार, पोटेंशियल पहले से क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और कैपेसिटेंस तो होती है किसी की, एक्वायरिंग एबिलिटी कितनी होगी, लेकिन चार्ज क्या होता है, बढ़ता रहता है टाइम के साथ। तो जो चीज फिक्स नहीं होगी उसके बेस पर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए ये दोनों जो फॉर्मुले हैं ये प्रैक्टिकली यूज में नहीं आते। ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली यूज में सबसे ज्यादा है, जो उसकी आपको कैपेसिटेंस की स्टोरेज कैपेसिटी बताएगा और ये बताएगा कि किस जगह पे उसको लगाना है। ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी के फॉर्मूले मैंने आपको तीन बताए थे, इसी को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें क्या है, आपको मैं याद दिलाऊं कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी, रिकॉल कराऊं कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है उसको आप मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। ये लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाया जाए तो वो फॉर्मूला जो डेंसिटी का आप मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, पहले समझ लें एक बार आप, डेंसिटी का जो फॉर्मूला आप मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं इसको अगर मैं मास डेंसिटी लिख दूं तो ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएगा कि मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर मुझे यहां पर चार्ज डेंसिटी लिखना होता है तो क्या आता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी लिखना है तो क्या फॉर्मूला आएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बहुत सिंपल तरीका इस पे याद करने का। तो अब यही फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करता हूं, एनर्जी डेंसिटी डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल यू इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर और वॉल्यूम था हमारे पास क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब जरा कैपेसिटर को देखें कि इसमें कैपेसिटर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा। सिंपल एक कैपेसिटर प्लेट में बना दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है और इनके बीच का सेपरेशन होता है डी। तो कितना वॉल्यूम ये एक्वायर करेगा, वो आएगा एरिया इनटू लेंथ। वो जो लेंथ होगी वो इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, तो ए इंटू डी आएगा यहाँ पर। और ये था हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब देखो बच्चे, सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या था, जब उसके अंदर एयर होती है। उसके अंदर जब एयर होती है तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये वॉल्यूम है कैपिटल वी, नहीं भाई वोल्टेज है, ध्यान रखना है। यहां पर ये कंफ्यूजन हो जाता है, वी का मतलब हम वॉल्यूम भी समझ लेते हैं और वी का मतलब वोल्टेज भी होता है। वॉल्यूम तो नीचे था जिसको मैंने वी लिखा ही नहीं, सीधा ए इंटू डी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहां वी का मतलब था वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या होता है वो हमने यूज किया था, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr वाले फॉर्मूले से आया था, इसको हम यूज करते हैं। V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो V की जगह जब मैं E इंटू डी लिखूंगा यहाँ तो स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या क्या बचा हुआ था, देखो C को तो मैंने पूरा लिख दिया, हाफ यहाँ पे लिख दिया, A अपॉन में था यहाँ लिख देता हूँ और D अपॉन में था यहाँ लिख देता हूँ। तो अब क्या आता है, A से ही कैंसिल होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, देखो डी इंटू डी स्क्वायर हो गया। तो क्या बचा फाइनली, फाइनली बचा एनर्जी डेंसिटी यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कई बार क्या होता है कि आपसे एनर्जी स्टोर्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन पूछते हैं और उसी के साथ में एनर्जी डेंसिटी भी पूछ लेते हैं, क्योंकि दोनों डेरिवेशन जो है आपस में रिलेटेड है, उसी में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है बेटा, राइट। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन आपका किसी के साथ में भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है, जनरली डेरिवेशन ही पूछते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये था। अब एक और फॉर्म में इस डेरिवेशन को, इस जो फाइनल आपका ये निकल गया है रिजल्ट, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो क्या फॉर्म है देखें, कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या फॉर्मूला था वो, था क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे मैं E की जगह अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, या लिख देता हूं मैं ऑल्सो, ठीक है ना, तो क्या आया हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो जाती है, क्या बचता है, U इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म, और वो फॉर्मूला था आपके पास रिलेटिविटी के फॉर्म। क्लियर बच्चे, ठीक है, तो एक बड़ा छोटा सा डेरिवेशन था, ये आपको याद रखना है। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और वो बहुत काम आने वाली है, वो है हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये अगर आपने नहीं सीखा तो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इससे ढंग से इसको सीखना। So the topic is combination of capacitors. इसमें first चीज है हमारे पास series combination of capacitors। दो तरीके की combination है, series and parallel, एक एक करके दोनों को समझते हैं। Series combination में क्या है बच्चे, मैं 3 कैपेसिटर ले लेता हूँ, बहुत ढंग से इसका मैकेनिज्म समझना और फिर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा। मैं 3 कैपेसिटर्स लेता हूँ और चार्ज करने के लिए मैंने एक बैटरी ले ली। कैपेसिटर को हम बैटरी और एसी सोर्स दोनों से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एसी सोर्स के साथ तो कैपेसिटर लगातार चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन बैटरी के साथ क्या होता है, कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करता है और उसके बाद करंट को रोक देता है, यानी कि बेसिकली कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। वो ब्लॉक क्यों करता है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से आप चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा मैथमेटिकली कि क्यों कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। लेकिन ध्यान रखना कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग, पहले वो चार्ज हो जाता है फिर वो डीसी को ब्लॉक करता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिंग पल्स चलती रहती है, करंट का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता रहता है, डायरेक्शन बदलती रहती है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट तो लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, मान लेते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं, ये 3 कैपेसिटर है, देखो कैसे जुड़े हुए हैं, ये कैपेसिटर C1 हो गया, ये कैपेसिटर C2 हो गया, ये कैपेसिटर C3। बहुत ढंग से ध्यान से सुनना, यहां से बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से अगर मैंने जोड़ा इसको तो समझिए, तो मान लेते हैं कि बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव कैसे आ गया, किस पॉजिटिव से यहां पॉजिटिव पहुंचा। अब ये पॉजिटिव कंडक्शन के थ्रू, ढंग से सुनिए मेरी बात, कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन का मतलब होता है एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दोगे तो यहां से फ्लो करके यहां चला गया, कंडक्शन के थ्रू हो सकता है क्योंकि मेटलिक प्लेट है। अब इस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कैसे, इस पॉजिटिव के साथ से सामने नेगेटिव चार्ज आता है इंड्यूस्ड होके, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब ये अगर नेगेटिव हो गया तो इसके सामने क्या आएगा, फिर इधर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लेट पे एक साइड इंडक्शन पे अगर नेगेटिव आता है तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव आ जाता है। तो जितना पॉजिटिव आपने यहां से सप्लाई किया उतना ही पॉजिटिव यहां दोबारा अपीयर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ही पॉजिटिव फिर आगे चला जाएगा, ये आपने वायर कनेक्ट कर रखे है, कंडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये पॉजिटिव जब यहां पहुंचता है तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, 4 पॉजिटिव आ गया। हम बात कर रहे हैं देयर इज नो लॉस इन द एनर्जी, नो लॉस इन द चार्ज, जितना चार्ज यहां था वो सारा यहां पहुंच गया। जब ये यहां पहुंचता है तो फिर क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू फिर यहां पॉजिटिव पहुंच गया, फिर यहां नेगेटिव पहुंच जाएगा इंडक्शन से, फिर आगे क्या होगा, यहां पॉजिटिव पहुंच जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आगे ट्रांसफर हो जाएगा और यहां पॉजिटिव, फिर उससे कंडक्शन के थ्रू यहां पॉजिटिव आ जाएगा और फिर उससे यहां नेगेटिव हो जाएगा और लास्ट में यहां पॉजिटिव। अब इसको हम खुला तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक तरीका होता है कि अर्थ कर दो, ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करने का मतलब, अर्थ करने का मतलब क्या होता है, लास्ट वाली प्लेट की आप कर दीजिए अर्थिंग, उससे कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये जो चार्ज दिख रहा है आपको वो पहुंच गया यहां, अर्थिंग हो गई, ठीक है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। तो अब देखो बच्चे, यहां से पॉजिटिव से कंडक्शन से यहां पॉजिटिव गया, इंडक्शन से सामने नेगेटिव आ गया, एक साइड नेगेटिव तो दूसरी साइड पॉजिटिव हो गया। अब दूसरी साइड पॉजिटिव था तो वो ट्रांसफर हो गया, यहां पहुंच गया, ये पॉजिटिव आया तो दूसरी साइड पॉजिटिव आ गया, फिर इंडक्शन से यहां नेगेटिव हो गया, फिर दूसरी साइड पॉजिटिव आ गया, फिर ये पॉजिटिव, कंडक्शन से यहां पॉजिटिव, फिर इंडक्शन और लास्ट वाला ग्राउंड में, ये हुआ। अब देखो बच्चे,
मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी वन था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी टू, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री। अब बात करते हैं चार्ज की, कि मान लेते हैं कि यहां से जो चार्ज, यहां से अगर मैंने क्यू चार्ज दिया तो आगे चार्ज कितना गया बताओ, क्या क्यू वन चार्ज आगे गया फर्स्ट कैपेसिटर से? अगर ये फोर चार्ज को मैं क्यू कह रहा हूं तो यहां कितने चार्ज है? फोर ही है, तो जो चार्ज होगा वो भी तो क्यू ही होगा। जब मैं क्यू चार्ज को फोर चार्ज बोलता हूं तो फोर चार्ज को क्यू ही बोलूंगा, जितना चार्ज यहां था उतना ही तो आगे निकल गया, लॉस तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्यू यहां से भेजोगे तो क्यू यहां जाएगा, फिर यहां भी क्यू जाएगा और अल्टीमेटली ग्राउंड में। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज रिमेन सेम, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। जैसे कि रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I, ये आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। तो यहां पे भी वही है, यहां पर करंट की जगह चार्ज सेम होता है क्योंकि यहां चार्जिंग का काम है, यहां करंट का कोई मतलब नहीं है। एंड वोल्टेज डिवाइड्स बिल्कुल वही चीज है जैसा आपने उसमें पढ़ा था, बस करंट इज रिप्लेस बाय चार्ज। ठीक है, तो वहां करंट सेम थी तो यहां चार्ज सेम हो गया और वोल्टेज तो अभी भी डिवाइड होगी। कैपेसिटेंस C1 C2 C3 मान दिया हमने। अब देखो बच्चे, अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है इसके नेट कैपेसिटेंस का, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, डेरिवेशन भी आपके सिलेबस का पार्ट है। देखिए, तो डेरिवेशन को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन को कैसे लर्न किया जाता है। आपको वहां से स्टार्ट करना है जो सर्किट में डिवाइड हो रहा है। देखो, कैपेसिटेंस तो C1 C2 C2 C3 इनकी बेसिक अपनी प्रॉपर्टी है, दो फैक्टर बचते हैं चार्ज एंड वोल्टेज, दोनों में से क्या डिवाइड हो रहा है सर्किट में, दोनों में से इस पूरे सर्किट में डिवाइड हुआ वोल्टेज। टोटल वोल्टेज V सप्लाई करी होगी तो वो V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिवाइड हुई है, चार्ज तो सेम है। हम क्या लिखेंगे, एज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज इन तीनों के सम से बनेगी। अब लगाओ फॉर्मूला कौन सा जिसमें कैपेसिटेंस आता हो। हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू Q बाय V, ये स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इससे V कितना आता है, वो आता है Q by C। तो मैं इसी V की जगह लिखूंगा यहाँ Q by C is equal to V1 की जगह Q1 upon C1 plus V2 की जगह Q2 upon C2 plus V3 की जगह Q3 upon C3। ये है क्लियर। अब Q by C is equal to Q by C is equal to, in place of Q1, I'm writing Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Check करो, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि series combination में सारे चार्ज बराबर हैं। इसका मतलब because Q is equal to Q1 is equal to Q2 is equal to Q3. They all are same. और ये सारे same हैं तो आपने सारे Q1, Q2, Q3 की जगह क्यों लिख दिया? अब easy तरीका है, सब में से common ले लो Q और फिर cancel करो। तो कॉमन लेते तो क्या आता है, क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3, देन क्यू एंड क्यू विल गेट कैंसिल, 1 upon C इज इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। दिस इज द नेट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो कितने कमाल की बात है, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था 1 upon R इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। यहां पर सीरीज में कैपेसिटेंस में ऐसा आ रहा है। मैं देखो, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, इसलिए ताकि आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले उल्टे हैं। और ऐसा नहीं कि क्लास 10th में आपने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ रखे हैं सीरीज और पैरेलल के, तो 12th में नहीं आएगा। 12th में अभी चैप्टर नंबर 3 आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आएंगे, वहां तो 10th वाले फॉर्मूले चलेंगे फिर। तो वो फॉर्मूले भी पढ़ने हैं आपको, ये भी फॉर्मूले पढ़ने हैं सेम क्लास के अंदर, और दो आगे पीछे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 में वो पढ़ रहे हैं। अब दो फॉर्मूले जो बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे के, उनको अगर साथ साथ पढ़े तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप भूल जाए तो लॉजिक याद रखें, किस लॉजिक से मैंने बताया था कि क्या सेम रहेगा, चार्ज कब सेम रहेगा, वोल्टेज कब सेम रहेगी, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हमने चार्ज की बात करें कि चार्ज सेम रहेगा तो ऑटोमेटिकली ड्राइव हो गया है, मैं जानबूझ के इस फॉर्मूले को क्रिएट नहीं किया, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ रहा है ड्राइव करके। बस मैकेनिज्म क्या है कि जो चीज सर्किट में डिवाइड होती है, सर्किट में जो चीज डिवाइड हो रही है उसके फॉर्मूले से स्टार्ट करो और फिर Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले को लिखना। ठीक है बच्चे, सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये नेट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया।
और दो चीजें आपने क्या सीखी, दो इसके अलावा चीजें ये सीखी कि चार्ज रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स, चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्टेज डिवाइड्स, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको कॉपी में ढंग से आप लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। सेकंड था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल देखिए सबसे कमाल की बात क्या होती है, हमारे मन में कई बार बड़ी अच्छी अच्छी इच्छाएं होती हैं, हमको लगता है अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे कि हम क्लास टेंथ में करते रहे, फॉर्मूले तो उल्टे हो गए सॉल्व तो वैसे ही करेंगे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि करंट सर्किट में जाते हुए दिखती है लेकिन चार्ज नहीं दिख रहा होता, करंट तो पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल जाएगी, चार्ज को इमेजिन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखेंगे तो, लेकिन इतने सिंपल नहीं लगेंगे जितने कि सीरीज में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में लगते हैं, थोड़ा चेंज आएगा ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूले उल्टे करना ही टास्क है, नहीं, टास्क ये भी है कि जो न्यूमेरिकल होंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि सीरीज क्या और पैरेलल क्या है। रेजिस्टेंस में पहचानना ज्यादा आसान काम है, कैपेसिटर में पहचान करना मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा किस तरीके से सीरीज और पैरेलल समझाया जाता है या समझा जाता है, बहुत ही आराम से बताऊंगा मैं आपको, आ जाएगा बस ढंग से देखना उसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था हमारे पास, पहले सर्किट चेक करो, सेम तरीके से वी हैव थ्री कैपेसिटर्स, C1 ये था, C2 इसका नाम लिख लेता हूं, C3 इसका नाम लिख लेता हूं, तीन कैपेसिटर हो गए। अब देखो बेटा यहां से पॉजिटिव चार्ज गया, यहां से इधर ये Q1 Q2 Q3 चार्ज डिवाइड हो जाएगा भाई, तीन रास्ते मिले, यहां से टोटल चार्ज Q आ रहा था तो वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तीन रास्ते मिले तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो Q1 था इस पे 3 चार्ज थे, मैं जानबूझ के नंबर इनके अलग अलग लिखूंगा ताकि आप इसका लॉजिक समझ सके ठीक है। ऐसा नहीं कि Q1 का मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नहीं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। Q1 में मान लो कि 3 पॉजिटिव चार्ज आते हैं यहां पे ठीक है, तो ये अगर 3 पॉजिटिव चार्ज आए तो बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज यहां आएंगे कैसे, थ्रू कंडक्शन, फिर 3 नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएंगे वो कैसे, थ्रू इंडक्शन, फिर 3 पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएंगे कैसे, इंडक्शन की वजह से हुआ है, नेगेटिव इधर आ गया तो पॉजिटिव उस प्लेट पे चला गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आता है तो वो कितना आएगा, जब 3 Q1 गया 3 पॉजिटिव चार्ज आए तो यहां जब 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो क्या जाएगा, Q1 ही तो जाएगा, क्योंकि Q1 का मतलब अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब Q1 ही हो गया, तो जितना चार्ज आया उतना निकल गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ठीक है। Q2 में मान लेता हूं मैं 4 पॉजिटिव चार्ज थे, जस्ट इमेजिन Q2 में 4 पॉजिटिव चार्ज थे तो फिर क्या होगा, 4 इधर पॉजिटिव आ गए कंडक्शन के थ्रू, चार्जिंग हो रही है तो इधर से इधर आ जाएंगे, नेगेटिव इधर आ गए 4 नेगेटिव आ गए 4 पॉजिटिव इधर बचेंगे, अब क्या होगा इधर चला जाएगा Q2, जितना आया उतना चला जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां भी हो गया। यहां पे देख लो, मान लेते हैं इस पे सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज आए, Q3 का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ये 2 पॉजिटिव आ गए ये 2 नेगेटिव आ गए तो फिर 2 इधर पॉजिटिव आ गए इधर चला गया, कितना Q2 तो जाएगा Q3 तो बेसिकली Q1 Q2 Q3 में Q डिवाइड हो गया और फिर इधर से क्या आया, Q1 आया Q2 आया Q3 आया, तीनों मिलके फिर क्या बनाएंगे, Q ही तो बनाएंगे, क्योंकि Q का मतलब Q1 plus Q2 plus Q3 था, तो Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q, lollipop। अब इसके बाद क्या है, यहां से हो गए इसकी क्या अर्थिंग करनी पड़ेगी ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए इसका ठीक है बेटा। अब ये हो गया इधर से सारा चार्ज इधर की ओर चला गया, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूशन। जानबूझ के मैंने आपको अलग अलग चार्ज बताए हैं ताकि आप सीख सके कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि Q1 का मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, Q2 का मतलब 4, वो कितना भी हो सकता है, वो तो मिलियंस ऑफ चार्ज हो सकते हैं ना, हम बस समझने के लिए सिंपलिसिटी के लिए ऐसा लिख रहे हैं ठीक है। अब सुनो बच्चे, अब मेथड क्या है, C1, C2, C3 तो इनके कैपेसिटेंस है, इसका C1 था, इसका C2, इसका C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो डिवाइड हो गया,
चार डिवाइड है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो तीसरी जो चीज बची वो कांस्टेंट होगी। वो कौन सी तीसरी चीज बची? वोल्टेज। तो यहां भी वोल्टेज भी, यहां भी वोल्टेज भी, और यहां भी वोल्टेज भी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेंस सेम। ध्यान रखो, कभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला आपको मिलता है Q is equal to CV, V is equal to IR, तो इन फॉर्मुलों में ये दोनों फॉर्मूले एक ही तरीके के हैं। अगर कोई दो चीजें चेंज हो रही है ना, तो एक चीज पक्का कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि अगर चार्ज और कैपेसिटेंस बदल रही है, तो इसका मतलब ये जो है ये सेम रहेगा। V is equal to IR में वोल्टेज और करंट अगर बदल रही होती है, वोल्टेज और करंट बदल रही होती है, तो रेजिस्टेंस सेम रहता है। ओम्स लॉ ये बताता है। अभी लास्ट जो हमने किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों बदली हुई थी, तो चार्ज सेम था। तो तीन में से कोई एक चीज सेम रहती है और बाकी दोनों चीज एक दूसरे के प्रोपोर्शन चल रही होती है, डायरेक्टली या इनवर्सली। ठीक, अब देखो बच्चे, स्टार्ट कैसे करना है। सर्किट में डिवाइड क्या हुआ? वोल्टेज या चार्ज, क्या डिवाइड हुआ? चार्ज डिवाइड हुआ। तो हम चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, ये आ गया। फिर क्या करना है? Q is equal to CV का फॉर्मूला लगाना है। Q का फॉर्मूला था CV, Q1 का फॉर्मूला आएगा C1V1, Q2 का फॉर्मूला आएगा C2V2, Q3 का फॉर्मूला आएगा C3V3। ठीक है? ओके। बिकॉज वोल्टेज इज सेम, V1, V2, V3 तीनों की जगह भी है, तो क्या करेंगे? C1V plus C2V plus C3V. Because V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V. V common लेके cancel हो जाएगा. C1 plus C2 plus C3, V common ले लिया, V से V cancel. तो C is equal to C1 plus C2 plus C3. ये वो formula निकल के आ गया capacitance का, जो कि हमने series combination of resistor में पढ़ा था, वो parallel combination में capacitor का formula है. C is equal to C1 plus C2 plus C3. बिल्कुल similar है, not same. आप कैसे पहचाने कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि इसमें डायग्राम को मिटाऊं, डायग्राम में जरा एक चीज नोटिस करो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, दिख रहा है? पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाले तीनों के तीनों एक टर्मिनल पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट है। देखो ये पॉजिटिव वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पॉजिटिव वाले, ये तो अल्टीमेटली कहां चले जाते हैं? अर्थ में चले जाते हैं। तो मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूं। ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट भी आपस में एक जगह कनेक्टेड है। यानी कि व्हेन ऑल पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ऑल नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, देन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सारे पॉजिटिव वाले एक साथ जुड़े हों, सारे नेगेटिव वाले एक साथ जुड़े हों, तो ऐसा जब भी होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ जुड़ना और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ जुड़ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, वैसे तो उसको तरीका समझाने का एक दूसरा तरीका भी होता है। वो ये तरीका होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज या करंट फ्लो के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, मतलब ब्रांचेस नहीं मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए फॉरेन कंट्री में क्या होता है, फॉरेन कंट्री में प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट कैसे? गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट अगर करना होता है तो तरीका कुछ अलग होता है, थोड़ा सभ्य तरीका होता है। स्पेशली डेवलप्ड कंट्री की अगर मैं बात करूं कि वहां पे ये होता है, गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट आपको करना है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लगाई जो आपको पसंद नहीं आई, जो बेनिफिट में नहीं थी पब्लिक की, तो उन्होंने क्या किया, वो रास्ते पे उतर जाते हैं लेकिन कोई दंगा नहीं करते। वो ये करते हैं, एक चेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन चेन या ह्यूमन सीरीज। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े होते हैं ऐसे करके, इसका हाथ ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे, बिल्कुल ऐसी एक लाइन बन गई और सबने बैनर लगा रखे अपने ऊपर। ठीक है, बैनर में कुछ भी लिख दिया कि वी आर अगेंस्ट यू या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ भी लिख दिया ऐसे करके, तो ऐसे करके कर रखा है। अब मान लो कि आपने ऐसे हाथ पकड़ रखे, इमेजिन करो कि बहुत सारे, चलो 10 लोग मान लेते हैं, वैसे तो उनमें जो ह्यूमन चेन होती है वो 4-4-5-5 किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिर्फ 10 लोग थे
10% थे, उन्होंने ऐसे करके हाथ पकड़े हुए। अब मैं क्या बोलता हूँ, सबसे आगे वाला जो बंदा था उसको मैं बोलता हूँ कि तुमको एक पैकेट को ट्रांसफर करना है, पैकेट दे दिया मैंने आपको, उस पैकेट को आपको उधर से लेकर लास्ट तक पहुंचाना है और अपनी पोजिशन से आप हिलेंगे नहीं। तो उसके पास तरीका क्या हुआ, वो क्या करेगा, अपने हाथ से पैकेट को पहले इस वाले हाथ पे ले आएगा, फिर वो आपके हाथ में आ गया होगा। एक पर्सन यहाँ था, एक पर्सन का हाथ यूं था, यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन का हाथ है, तो मैंने ये पैकेट यहाँ रखा, यहाँ से पैकेट दूसरे ने अपने हाथ में दूसरे में दिया, ऐसे करते करते क्या होगा, सिर्फ एक रास्ते से पैकेट ट्रांसफर हो जाएगा लास्ट तक। ये थी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, जब एक ही रास्ता होता जाएगा, अगर इस तरीके से करंट या चार्ज का फ्लो हो रहा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब मैं बात करता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना और आसान तरीका है, अब वो पता है क्या आसान तरीका है, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, और इसके लिए पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई अनपढ़ इंसान को भी ये बात पता हो सकती है जो मैं अब आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं, बशर्ते वो थोड़ा घुमक्कड़ और थोड़ा सफर करता हो। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली से चलने वाला एक बिजिएस्ट हाईवे कौन सा है जो किसी शहर को जोड़ता है, सबसे बिजिएस्ट जो है, जो बिजिएस्ट हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी करता है दिल्ली से। दिल्ली से आपको पता है बहुत सारे नेशनल हाईवे निकलते हैं, लेकिन एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है थ्रू आउट द ईयर और वो ओवर क्राउडेड हो जाता है कई बार, वो है NH 58, नेशनल हाईवे नंबर 58। और ये कहां जाता है मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। ये हाईवे जाता है हरिद्वार एंड देहरादून। अब आपको पता है कि हरिद्वार और देहरादून में जब, या हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगता है या नहीं भी लग रहा है ना, सिंपल एक स्नान है, गंगा स्नान है, तो कितने लोगों की भीड़ वहां पे जाती है, तो ये हाईवे बिजिएस्ट हो जाता है, इस पे सबसे ज्यादा जाम लगता है। तो अब अगर आप कभी इस हाईवे पे गए हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आप में से मैक्सिमम लोग इस हाईवे पे कभी ना कभी गए होंगे, अगर आप हरिद्वार या देहरादून कभी भी गए हैं तो इस हाईवे से ही गए होंगे, ठीक है। और जाना पड़ता है इंसान को, जिंदगी में जाता है या जिंदगी के बाद जाता है, किसी तरीके से जाता है, ठीक है। तो खैर यहां से आपने चला तो मैं आपको रास्ते बता रहा हूं ढंग से ट्रैक करते चलना। हम यहां से निकलते हैं, मान लीजिए यहां से निकलने के बाद हम गाजियाबाद पहुंचे, गाजियाबाद से आप आगे चले तो आपको मिलेगा मुरादनगर, मुरादनगर के आगे पहुंचोगे लगेगा मोदी नगर, मोदी नगर के बाद आपको मिला मेरठ। अब सुनो जो मैं कहने वाला हूँ, मेरठ जब आता है आपके पास तो वहां पर आपने एक बड़ा कॉमन नाम सुना होगा, मेरठ बाईपास। अगर आप कभी भी गए होंगे तो आपने मेरठ बाईपास का नाम सुना होगा। मेरठ बाईपास का मतलब क्या हुआ, सड़क है मेरठ जा रही थी, मेरठ सिटी के अंदर से जा रही थी, लेकिन एक और रास्ता बना दिया कि आप मेरठ के बाहर बाहर से निकल सकते हैं बिना सिटी के अंदर गए हुए, वो था मेरठ बाईपास। बाईपास का मतलब यही होता है कि आपको अंदर से नहीं जाना, बाहर बाहर से निकलना है। फिर थोड़ा सा और आगे चले, खतौली मिला, और आगे चले तो आपको मिला मुजफ्फरनगर। जहां मुजफ्फरनगर आया फिर आपको एक और बाईपास मिला, एक मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर से जाएगा और एक मुजफ्फरनगर जाएगा बाहर बाहर से, उसको मुजफ्फरनगर बाईपास बोलते हैं। तो जो लोग हरिद्वार जा रहे होते हैं या देहरादून जा रहे होते हैं वो अक्सर बाईपास के रास्ते जा रहे होते हैं क्योंकि उनको मेरठ मुजफ्फरनगर नहीं जाना होता, ठीक है। तो अब आप सोचिए ये बाईपास क्या है, मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया, ये बाईपास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है सोचिए, वो इस तरीके से है कि दिल्ली से एक भीड़ निकली कहां जाने के लिए, उनमें से कुछ लोग हरिद्वार जाएंगे और कुछ लोग मेरठ भी जा सकते हैं, जिनको जिनका मेरठ ही करे वो मेरठ ही जाना चाहते हैं वो हरिद्वार क्यों जाएंगे। दिल्ली से पूरी भीड़ निकली, कॉमन जा रही है भीड़, और जाते जाते जैसे ही मेरठ का बाईपास आया, भीड़ में से कुछ लोग, क्राउड में से या जो व्हीकल्स हैं उनमें से कुछ व्हीकल्स चल दिए कहां पे, मेरठ सिटी के अंदर, और कुछ व्हीकल कहां चले गए, बाईपास। आपको ऑल्टरनेट पाथ मिल गया, जब ऑल्टरनेट पाथ मिलता है तो ये जो आप आ रहे हैं ना, जो भीड़ आ रही है, इसको आप मान लें करंट या फिर चार्ज, चार्ज मान लेते हैं, चलो करंट की बात नहीं करते हैं, वो हम करंट रेट से पढ़ेंगे। चार्ज आ रहा था, वो सारे का सारा चार्ज आ रहा है जो व्हीकल में आ रहा है, और वो चार्ज डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरीके से, इसको ऑल्टरनेट पाथ मिल गए, एक रास्ता तो नहीं है, रास्ते डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जहां भी आपको ब्रांचेस मिल जाए कि यहां से डिवाइड हो सकता है, इधर भी जा सकता हूं इधर भी जा सकता हूं, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब तक आप सीधे चलते रहोगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चलते रहना है। जैसे मैं बोलता हूँ गाजियाबाद से अगर आपको मुरादनगर जाना है तो जनरली एक ही रास्ता है हाईवे पे, तो एक ही रास्ता है, ऑल्टरनेट इधर उधर से वैसे छोटे मोटे रास्ते से निकल सकते हो, लेकिन एक ही रास्ता मेन है जहां जो सब लोगों को पता होता है जो दूर जाने वाले हैं, तो एक ही रास्ता, भीड़ हो चाहे कैसा भी हो आपको जाना उसी तरीके से। तो मतलब क्या हुआ, एक ही रास्ता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अब मैं अगर बोलता हूँ कि आपको ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाना है तो आपके पास कम से कम दो रास्ते तो हैं, एक आप चले जाइए बंगेल वगैरह होते हुए और एक आप चले जाइए कहां से, एक्सप्रेस वे से,
अगर आपको मथुरा जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप नेशनल हवाई हाईवे से जाइए या यमुना एक्सप्रेस वे चले जाइए। तो मतलब क्या, जहां पर आपको दो रास्ते मिल जाते हैं, जहां आपको मिल जाता है कि ऑल्टरनेट पाथ है, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब तक आपको एक ही रास्ता मिलता रहे तब तक कोई आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाने के लिए एक्सप्रेस वे पे जा चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल चुके हैं काफी दूर तक, तो अब आपको दूसरा पार्ट ढूंढना मुश्किल होगा नोएडा के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ एक ही रास्ता है, आपको सीधा इसी रास्ते पे चलना जाना है, तब जाके नोएडा पहुंचेंगे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और जहां से आपको वेरिएशन मिल जाएंगे, जहां से आपको ऑल्टरनेट पाथ मिल जाएंगे, वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम में कि यहां से मैंने चार्ज को भेजा इधर इधर इधर, तीन रास्ते मिल गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और इस केस में क्या था, पॉजिटिव 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 एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, नेगेटिव 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 एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ये इसकी दूसरी पहचान हो गई। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था आपको, साथ साथ डायग्राम बनाकर दिखाया था, अभी वेरीफाई हो जाएगा। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव बताई थी, फिर ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव। अगर चार्ज को यहां से यहां तक जाना है, इस पाथ तक यहां तक आना है, तो उसके पास एक ही रास्ता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। तो यहां से लेकर यहां तक जब उसके पास एक ही रास्ता है तो सीरीज चलना है। और इसमें एक और क्या चीज नोटिस करने की है, नेगेटिव वाली प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट, नेगेटिव वाली प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट हो रही है। और यहां पे क्या था, पॉजिटिव 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 तीनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव 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 एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक दूसरा तरीका हो गया इसको समझने का, ठीक है बेटा। तो आपको दोनों ही तरीके याद रखने हैं। तो क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो मुझसे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि सर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं समझ में आ रहा, कैसे पता लगता है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। और आप लोग एग्री कर रहे होंगे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस टाइम, वो पक्का इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ हमें ये दिक्कत होती है कि सीरीज पैरेलल पहचान नहीं पाते। एक बार पता लग जाए तो फिर सॉल्व कर लेंगे, पहचान नहीं पाते। तो उसके लिए इसको बार बार देखना, इसका रिपीटेशन बार बार देखना। जब भी आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर दो तीन क्वेश्चनों के बाद आप भूल जाते हैं, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें कि मैंने क्या तरीका बताया था। और जब मैं इसके कुछ आपको तरीके और बताऊंगा, जब मैं आपको कुछ और इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, तो यहां से चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बस ऐसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन हालांकि छोटा नहीं है, क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन बस सीरीज पैरेलल बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्वेश्चन का पूरा, सिर्फ सीरीज पैरेलल पहचानना बताऊंगा, ठीक है। देखो ढंग से, जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूं आपको कभी ना कभी आपके सामने जरूर आएगा, ये पक्की बात है। क्वेश्चन ये था, ऐसा दे रखा है, ये क्या है कैपेसिटर प्लेट, ये मान लो इसकी पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, और इसके बीच में क्या बन रखा है, डायलेक्ट्रिक स्लैब, दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक स्लैब है, दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से दिखा दिया, एक को ऐसे दिखाया, एक को ऐसे दिखाया, ताकि यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ठीक है। K1 इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस एंड K2 इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस। डायलेक्ट्रिक है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। अब क्या है, आपको बस ये बताना है कि ये दोनों यहां पर एक्चुअली दो कैपेसिटर बन चुके, एक बन गया ये, वैसे तो पूरा एक कैपेसिटर ये था, लेकिन जब आपने डायलेक्ट्रिक भर दी तो अब ये दो कैपेसिटर बन गए, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये, ये दो कैपेसिटर है। आपको ये बताना है कि whether they are in series or parallel, तो अब इसको पहचानने का तरीका देखो, आप गेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि गेस करना हमेशा सही नहीं है, वो कभी तुक्का लगेगा कभी नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको लॉजिक से समझना जरूरी है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसको कैसे किया जाता है। यहां से आपने पॉजिटिव प्लेट ये दी, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है। अब इस पॉजिटिव से इंड्यूस होकर यहां नेगेटिव आएगा, ये एक पूरा कैपेसिटर था, अगर इधर नेगेटिव आ गया तो इसके दूसरी साइड पर इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। फिर इस पॉजिटिव से इंड्यूस होकर सामने वाले पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो बहुत सीधा तरीका है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो रखा है, और नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया तो ये क्या मिला, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट ये थी, सामने वाली प्लेट पर इंड्यूस होकर नेगेटिव चार्ज आ गया, अट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो वो नेगेटिव इधर आ गया तो पॉजिटिव इधर आ गया, अब ये इधर पॉजिटिव आ गया तो फिर इधर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली प्लेट कनेक्टेड है आपस में, एंड इफ दे आर कनेक्टेड देन इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
ठीक है। अब जरा पैडल का भी साथ साथ बता देता हूँ, सो दैट यू कैन कंपेयर, यही बता देता हूँ ताकि आप दोनों कंपेयर करेंगे। पैडल में क्या था, आप खुद से देखेंगे कि पैडल कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। सिंपल ऐसे करता हूं, अब देखो इसमें पैडल कैसे पहचानना। यहां से बेटा चार्ज जाता है तो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा सामने। यहां भी कोई डायलेक्ट्रिक बन रखा है, कोई डायलेक्ट्रिक यहां भी, तो पॉजिटिव। और देखो दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर हो गया ये एक कैपेसिटर है, दिस इज सी वन, और एक कैपेसिटर हो गया नीचे वाला दो, ये सी टू। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से मिला के एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर तब बनेगा जब एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये कैपेसिटर नहीं है। अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो भी कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर होने के लिए एक पॉजिटिव और उसके सामने दूसरी नेगेटिव जरूर होनी चाहिए, ये पहचान है। तो अब देखो बच्चे, पॉजिटिव वाली प्लेट इस कैपेसिटर की सी वन की दूसरे की पॉजिटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। और इसको आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर चार्ज में यहां से भेजूं तो वो इसके थ्रू भी जा सकता है और इसके थ्रू भी जा सकता है, दो रास्ते हैं। लेकिन अगर मैं यहां से चार्ज भेजता हूं तो उसको इसके थ्रू होके ही यहां तक जाना पड़ेगा, दूसरे तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा जब तक पहले को पूरा क्रॉस नहीं करता। जबकि यहां पे गया है वो पहले से भी नहीं कर सकता और दूसरे से भी नहीं कर सकता, ऑल्टरनेट पाथ आ गए। अब एक लास्ट चीज और देख लो, अब ये देख लो कि मैं सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ बनाता हूं और चेक करना कि उसके अंदर सीरीज कौन सा होगा, पैरेलल कौन सा होगा। यस, C1, C2, C3, थ्री कैपेसिटर्स हैं। C1, C2, C3। मान लिया यहां से Q चार्ज आता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक डायलेक्ट्रिक यहां पर रखा है मैंने, एक डायलेक्ट्रिक यहां पर और एक डायलेक्ट्रिक यहां। वी हैव थ्री डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स, यानी तीन कैपेसिटर हैं। अब वो तीन कैपेसिटर हैं तो उसमें चार्ज किस किस तरीके से, देखिए ये पॉजिटिव, इस प्लेट से पॉजिटिव मिल जाएगा, इसके सामने क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उधर क्या होगा, नेगेटिव इधर आ गया तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा और उसके सामने नेगेटिव, ये समझ लो ढंग से। पॉजिटिव इधर गया तो इसके सामने अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी दूसरी वाली प्लेट पर दूसरी साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव इधर आ जाएगा इंड्यूस होके। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जो है, अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव भी आपस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा ये, अब इस पूरे को मैं एक मान लेता हूं, फिलहाल तो ये दोनों थे, ये दोनों पैरेलल में आ गए, अब इन दोनों को एक मान लो। अगर एक मान लिया तो ये पूरा नेगेटिव प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इसकी नेगेटिव प्लेट C3 वाले के पूरी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो रही है, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि जिसको मैं CP बोल दूं, कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद C3। इसके साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसकी नेगेटिव प्लेट उसके पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और इन दोनों को अगर मैं मिला के एक बना दूं तो यहां से लेकर यहां तक जाने का एक ही रास्ता बचेगा, इन दोनों से मिलकर आगे जाने का, यानी कि ये दोनों पैडल में हो गए। तो अगर एक लगा दो इनकी जगह में, इन दोनों की जगह में एक लगा दो तो ऐसा बन जाएगा ना, वो दोनों मिला के एक हो गया CP कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर इन पैडल कॉम्बिनेशन, और वो फिर इसके साथ किस में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से सीरीज पैडल के कॉम्बिनेशन सॉल्व किए जाते हैं, ऐसा ही समझना होता है। मैं जानता हूं कि सिर्फ एक क्वेश्चन से इसके लॉजिक सारे क्लियर नहीं हो सकते हैं, तो जब हम वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके सारी बातें पता लगेंगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आज की क्लास में मैंने जो भी बताया उसे रिवाइज जरूर करें आप, वरना आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे या ढंग से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक दो हो जाएंगे तो फिर आगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले, पहले मैं आपको बता दूं अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, एक क्लास में और लूंगा। उस क्लास के अंदर कुछ छोटे मोटे डेरिवेशन और रहते हैं, छोटे मोटे तो नहीं है, हालांकि अच्छे डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन का एक सेगमेंट है। हमने सीरीज पैरेलल समझ लिया इसलिए वो समझ में आएगा। उसे करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे
अपने न्यूमेरिकल्स के सेगमेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसमें काफी मेहनत करनी है, तो उसके लिए हम काफी क्लासेस करेंगे। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बहुत जोर से पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, धन्यवाद।